हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेब्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेब्य मेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइडलर फ्रेम की स्पेसिंग के बारे में। फ्रेंड्स, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का इस्तेमाल प्रायः हर कोई इंडस्ट्री में किया जाता है। इसमें बेल्ट को सपोर्ट प्रदान करने के लिए आइडलर का प्रयोग किया जाता है। आइडलर भी कई प्रकार के होते हैं। आइडलर फ्रेम को फिक्स करने के लिए एक फिक्स डिस्टेंस तय किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आइडलर फ्रेम की स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम कैरिंग आइडलर फ्रेम के बारे में जानते हैं। कैरिंग आइडलर फ्रेम को टर्फिंग आइडलर फ्रेम भी कहा जाता है। कैरिंग आइडलर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में कैरिंग साइड में लगा हुआ होता है। टर्फिंग आइडलर फ्रेम के कारण ही हमारे कन्वेयर बेल्ट को कर्व शेप मिलता है। कैरिंग आइडलर फ्रेम में तीन आइडलर के सेट लगे होते हैं। ये दो प्रकार के डिजाइन में आते हैं। पहला जो डिजाइन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं इन लाइन कैरिंग आइडलर फ्रेम, और जो दूसरा टाइप का जो फ्रेम है उसे हम कहते हैं ऑफ सेंटर कैरिंग आइडलर फ्रेम। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैरिंग आइडलर फ्रेम है कन्वेयर बेल्ट के लोड कैरिंग पोर्शन को सपोर्ट प्रदान करता है, और कैरिंग आइडलर के बीच के जो स्पेसिंग है वो 4 फीट रखा जाता है। आइए अब हम रिटर्न आइडलर फ्रेम के बारे में जानते हैं। रिटर्न आइडलर फ्रेम कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में रिटर्न साइड में लगा हुआ होता है, जो कि हमारे कन्वेयर बेल्ट के रिटर्न साइड को सपोर्ट प्रदान करता है। रिटर्न आइडलर फ्रेम को फिक्स करने के लिए एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये हमारा आप यहाँ पर कैरिंग आइडलर फ्रेम और रिटर्न आइडलर फ्रेम को एक साथ दे सकते हैं। कैरिंग आइडलर फ्रेम हमारे कन्वेयर बेल्ट के कैरिंग सेट को सपोर्ट प्रदान करता है, उसी प्रकार रिटर्न आइडलर जो है वो हमारे कन्वेयर बेल्ट के रिटर्न साइड को सपोर्ट प्रदान करता है। और हमारा कन्वेयर बेल्ट में जो रिटर्न आइडलर होता है वो एक सिंगल फ्लैट आइडलर भी हो सकता है या आइडलर के सेट भी हो सकते हैं। रिटर्न आइडलर फ्रेम के बीच का स्पेसिंग 8 से 10 फीट रखा जाता है। कहीं कहीं पर इसे 8 फीट ही रखा जाता है, अर्थात कैरिंग आइडलर फ्रेम के जो डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस में इसे रखा जाता है, जिससे कि हमारा जो फ्रेमवर्क है उसे सिंपल बनाया जा सके। वी रिटर्न आइडलर फ्रेम, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो आइडलर के सेट लगे हुए होते हैं जिसे हम कन्वेयर बेल्ट में रिटर्न साइड में फिक्स करके रखते हैं। और जो भी रिटर्न आइडलर फ्रेम में इक्वल लंबाई के आइडलर सेट लगे होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ डिग्री में लगे होते हैं, जिससे हमारे आइडलर का जो शेप होता है वो वी शेप टाइप का हो जाता है, और आइडलर का जो इंक्लिनेशन एंगल इसमें जो होता है वो 10 डिग्री के आसपास होता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट के लिए बेल्ट की चौड़ाई कम से कम 800 mm होना चाहिए। आइए अब हम इम्पैक्ट आइडलर फ्रेम के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इम्पैक्ट आइडलर फ्रेम को इम्पैक्ट जोन या जिसे हम रिसीविंग जोन कहते हैं वहाँ पर इसे लगाया जाता है। इम्पैक्ट आइडलर फ्रेम में रिजिलेंट मटेरियल के रिंग लगे होते हैं, जिससे लोडिंग पॉइंट में शॉक को एब्जॉर्ब करके बेल्ट को डैमेज होने से बचाया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे रबर के बहुत सारे रिंग बने होते हैं, जो कि जब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, मटेरियल का इम्पैक्ट पड़ता है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। और जो इम्पैक्ट आइडलर फ्रेम के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसे ये लगभग 1 फुट रखा जाता है। आइए अब हम सेल्फ एलाइंड कैरिंग आइडलर फ्रेम के बारे में जानते हैं। सेल्फ एलाइंड कैरिंग आइडलर फ्रेम अर्थात ऐसा फ्रेम जो कि अपने आप एलाइंड हो सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेल्फ एलाइंड कैरिंग आइडलर फ्रेम को कन्वेयर बेल्ट के कैरिंग साइड में लगाते हैं। सेल्फ एलाइन कैरिंग आइडलर फ्रेम में नॉर्मली ट्रफ आइडलर लगाया जाता है, जो कि एक स्विवल फ्रेम में माउंट किया जाता है, और यह फ्रेम अपने एक्सिस में एक लिमिटेड रेंज में स्विवल कर सकता है। इसमें जो गाइड रोल होता है उसे कन्वेयर बेल्ट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स किया जाता है, और इसमें जो साकी फ्रेम होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 फीट रखा जाता है। 50 फीट मतलब 15 मीटर के आसपास। आइए अब हम सेल्फ एलाइंड रिटर्न आइडलर फ्रेम के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हम कन्वेयर सिस्टम में रिटर्न साइड में फिक्स करते हैं, जिससे कि
कन्वेयर बेल्ट यदि मान लो स्वे होता है तो अपने आप जो है ये अलाइन हो सके। सेल्फ अलाइन रिटर्न एडलर फ्रेम में सिंगल फ्लैट एडलर लगा हो सकता है या इक्वल एडलर का सेट भी हो सकता है जो कि एक स्वेल फ्रेम में माउंटेड रहता है। सेल्फ अलाइन रिटर्न एडलर फ्रेम के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो 100 फीट अर्थात 30 मीटर के आसपास रखा जाता है। इसमें जो गाइड रोल होता है वो अपना बेल्ट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स किया जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको आइडलर फ्रेम की स्पेसिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपकी 1% भी काम कर लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।